और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस वक्त नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जन चेतना रैली को संबोधित कर रहे हैं। हम सीधे चलते हैं। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष जुजारू हमारे युवा नेता भाई राहुल सिन्हा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री वरुण गांधी, श्रीमान शाहनवाज हुसैन जी, झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, श्रीमान बप्पी लहरी जी, सुकुमार बनर्जी, तपन सिकदर जी, श्री असीम घोष जी, श्री तथागत राय जी, श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी, श्रीमान पीसी साकूर सरकार जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नमस्कार। उपस्थित भाई बोन ओ बंधुदेर आभार, खूब खूब अभिनंदन और भालोबासा। एदिके तो विशाल जन समुद्र के देखे आमार हृदय मन आनंदे बोलते चाय, आमार सोनार बांगला। आमी तोमार भालोबासी। एदिके आमार सबाय एसेछे सोनार भारत के बनानोर जोन्ने, ठीक साला तैयारी करे जे भावे बंगाल जाना जाए, दुर्गा पूजो, रसगुल्लो, संदेश, ढाक, शंखेर जोने सेरकम बंगाली मानुष जाना जाए प्रबुद्ध मानसिकता ओ मधुर साहित्येर जोने। আমি আপনার সবাইকে খুব খুব ভালোবাসি। ভাইও বহনো, কলকাতে মে বহুত বার আয়ে হ্যায়, পার্টি কি রেলিয়া ভি কি হ্যায়, লেকিন এসা বিরাট জনসাগর पहली बार देखा है। दिल्ली में जो थर्ड फ्रंट के नेता बैठे हैं, वो जहां हेलीकॉप्टर लेकर के आए, यहां पर थोड़ी नजर कर लें, उन्हें पता चल जाएगा हवा का रुख क्या है। देश की जनता ने फैसला कर लिया है, भाइयों बहनों, ये बंगाल की भूमि
एक प्रकार से भारत को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ी भूमि का अदा करने वाली भूमि है। बंगाल की भूमि के साथ मेरे गुजरात का विशेष नाता रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई बहुत वर्षों तक गुजरात में रहे थे। अहमदाबाद को बनाने में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई की बहुत बड़ी भूमिका थी। गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग को बनाने में सुभाष चंद्र बोस के भाई की भूमिका थी। वे भी बहुत वर्षों तक गुजरात में रहे। उनके परिवारजन तो आज भी गुजराती बोलते हैं। इतना नाता सुभाष बाबू के साथ रहा। और हरिपुरा कांग्रेस जो गुजरात में हुई और वहीं पर सुभाष बाबू ने अपनी ताकत के दर्शन करवाए थे, और उस अर्थ में श्री अरविंदो वे भी लंबे अरसे तक गुजरात में रहे थे, और स्वामी विवेकानंद वे भी जब भारत भ्रमण के लिए चले तो सर्वाधिक समय उन्होंने गुजरात की धरती पर बिताया था। और इस अर्थ में मैं कहता हूं कि बंगाल की धरती के साथ गुजरात का सविशेष नाता रहा है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगतगुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। यह स्वामी विवेकानंद जी का सपना था। और सदियों पहले वो समय था जब भारत विश्व गुरु था। लेकिन हम ये न भूलें, भारत तब विश्व गुरु था जब बंगाल राष्ट्र गुरु के पद पर विराजित था। अगर हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो बंगाल ने राष्ट्र गुरु के पद को हासिल करना होगा, बंगाल को उस ऊंचाई पर ले जाना होगा, तब जाकर के भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजित हो सकता है। भाइयों बहनों, आज जब बंगाल की भूमि पर आए हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। हमारी राजनीतिक विचारधारा के वो धनी थे और उन्हीं की प्रेरणा थे, और वे उस समय मान गए थे कि कांग्रेस से देश का भला नहीं होगा, एक अल्टरनेट राजनीतिक विचारता है, राजनीतिक मंच की आवश्यकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे दीर्घदृष्टा थे और उन्होंने भारत के भाग्य को बनाने के लिए कितना ही वक्त क्यों न लगे, लेकिन एक ऐसा बीज बोया जो आज वटवृक्ष बनकर के हिंदुस्तान के हर नागरिक की आशा आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में वंदन करता हूं और इस भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब 2014 का चुनाव सामने है,
भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं ये चुनाव हिंदुस्तान में जो अब तक चुनाव हुए हैं उस चुनावों से बिल्कुल भिन्न है। सारे पॉलिटिकल पंडितों के हिसाब किताब गलत निकलने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पंडित चुनावों के इतिहास का अंदाज लगाते हैं, राजनीतिक दलों की गतिविधियों का अंदाज लगाते हैं, राजनीतिक दल के नेताओं का हिसाब किताब लगाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पंडित जनता जनार्दन के मिजाज को परखने में अगर विफल गए तो 2014 के चुनाव को समझने में भी विफल जाने वाले हैं। आजादी के बाद ये पहला चुनाव ऐसा है जो देश के कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, सामान्य नागरिक लड़ रहा है। चुनाव का एजेंडा देश के राजनीतिक दलों ने तय नहीं किया है, हिंदुस्तान के सामान्य मानवीय ने एजेंडा तय किया है, और उसका एजेंडा एक ही है, 60 साल बीत चुके, बहुत हो चुका, अब इंतजार नहीं होगा। बहुत वादे किए गए, बहुत अरमान जगाए गए, आशा भर नजरों से 60 साल इंतजार करते रहे, अब देश इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। और देश की एक ही मांग है, हमें विकास चाहिए, गरीब को रहने के लिए घर चाहिए, बीमार मां बाप को दवाई चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, मां बहनों को सम्मान चाहिए, खेत में पानी चाहिए। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद क्या देश की जनता को इतना मांगने का अधिकार है कि नहीं है? भाइयों, अधिकार है। क्या आपको रहने को घर मिलना चाहिए? गरीब को खाने का अन्न मिलना चाहिए? नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए? बीमार को दवाई मिलनी चाहिए? गांव को सड़क मिलनी चाहिए? घर को बिजली मिलनी चाहिए? बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, देश की जनता यही मांग रही है, लेकिन इन राजनीतिक दलों को सामान्य मानवी की इन इच्छा आकांक्षाओं की परवाह नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम ये मंत्र लेकर के चले हैं, विकास भी, ईमान भी, गरीबों का सम्मान भी, इस मंत्र को लेकर के हम चुनाव के मैदान में जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति को लेकर के चले हैं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आप लोगों ने पश्चिम बंगाल की सरकार चुन करके 30-35 साल तक अपने प्राण प्रिय सोनार बंगला को बर्बाद करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर दी। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, आपने परिवर्तन 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 इसके लिए अपनी जान लगा दी,
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, परिवर्तन आया है? जरा पूरी ताकत से बोलिए, परिवर्तन आया है? आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है? कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज बंगाल की इस पवित्र धरती पर से बंगाल के भाइयों बहनों के साथ एक सीधा संवाद करना चाहता हूं। मेरे और आपके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, आप हैं और मैं हूं। मैं ये अधिकार आपको देने के लिए आया हूं, मैं हक आपको देने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अभी बंगाल विधानसभा के चुनाव आने वाले नहीं है, यहां सरकार बन चुकी है, उन्होंने परिवर्तन का वादा किया है, आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं क्या? करेंगे? करेंगे? करेंगे भैया? देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल हमेशा देश को दिशा दे रहा है, बंगाल हमेशा देश का मार्गदर्शन करता रहा है, आज से नहीं सदियों से कर रहा है। इस चुनाव में क्या बंगाल देश को दिशा दिखा सकता है? आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक प्रयोग किया जाए, और मैं कहता हूं ये प्रयोग करके देखिए। इस बार पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीता करके दें। क्यों? मैं इसका आपको हिसाब देना चाहता हूं। क्यों? देखिए, यहां तो आपकी नई सरकार तृणमूल कांग्रेस की सरकार, उसने वादा किया वो काम करेगी, जैसा करे आपको पसंद हो ना हो लेकिन कुछ ना कुछ करेगी। आप उनसे उनके काम का हिसाब मांगिए, रोज हिसाब मांगिए, और मुझे सबकी सब सीटें दे करके आप फिर मेरा हिसाब मांगिए कि मोदी जी बताओ आपने क्या किया। एक पर्दा हो जाए, एक पर्दा हो जाए, पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए काम करे, और 2014 में दिल्ली में बनने वाली भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए काम करे, दोनों के बीच में स्पर्धा हो जाए, आप देखिए भला किसका होगा, भला किसका होगा? यह स्पर्धा हुई तो भला किसका होगा? और इसलिए भाइयों बहनों, उनसे आप राज्य के काम का हिसाब मांगिए, हमसे आप देश के हिसाब का काम का हिसाब मांगिए। आप देखिए, आपको दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे, आप और किसी को भेज करके फिर हमारा हिसाब कैसे मांगोगे भाई? और वो अच्छा भी तो नहीं है। हां, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए आएंगे, हिसाब देंगे, सब करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के भाग्य को बदलने के लिए अकेली पश्चिम बंगाल की सरकार काम नहीं कर पाएगी, पश्चिम बंगाल के लिए काम करने वाली दिल्ली में भी सरकार होनी चाहिए, और ये जिम्मा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एक नए तरीके से सोचे, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने परिवर्तन जो लाया है वो परिवर्तन का हिसाब राज्य सरकार से मांगिए, और देश में जो परिवर्तन आने वाला है पश्चिम बंगाल के लोग विशेष रूप से, उसका हिसाब मुझसे मांगे, आप देखिए काम तेजी से होगा। और आप बताइए, आप सबकी सब लोकसभा सीटें अगर हमें देते हैं
तो मुझे बार बार यहां आने का मन करेगा कि नहीं करेगा? आपका काम करने का मन करेगा कि नहीं करेगा? मेरा उत्साह बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? भाजपा के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो जाएगा कि नहीं जाएगा? 60 साल तक आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? मैं वादा करता हूं भाइयों बहनों, और मैं नेक इरादे से वादा करता हूं कि पश्चिम बंगाल एक बार भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर ले, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करके स्वीकार कर ले, पश्चिम बंगाल के नौजवानों के भाग्य को बदलने के लिए याद कर ले, और हम 60 साल में जो पश्चिम बंगाल में गड्ढे पड़े हैं उन गड्ढे भरने का काम हम करके देंगे आपको। और भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल के लोग तो बड़े क्रांतिकारी होते हैं, क्रांतिकारी काम करने में कभी वो हिचकिचाहट नहीं करते हैं। आपने इतना बड़ा निर्णय राज्य में कर लिया है तो इतना बड़ा निर्णय आप देश में भी कर लीजिए। मैं विश्वास से कहता हूं पश्चिम बंगाल की भलाई का बहुत बड़ा काम हम करने में सफल होंगे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, दोस्तों, जगह नहीं है, अब आप वहीं इंतजार कीजिए। दोस्तों, आगे जाने की कोई संभावना नहीं है, कहां जाओगे? ऐसा जुस्सा कभी बंगाल में हमने देखा नहीं भैया, क्या गजब गुस्सा है आपका। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भाइयों बहनों, बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिस पर किसी समय माता सरस्वती की कृपा रही है और मां लक्ष्मी की भी कृपा रही है। बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा रहती हो। ये दोनों की कृपा वाला प्रदेश है भाइयों। यहां के नौनहार नौजवान है, तीव्र बुद्धि प्रतिभा के धनी हैं, वो देश को बहुत कुछ देने की ताकत रखते हैं। आप कल्पना कीजिए, हमारे देश में सबसे पहले कंप्यूटर की दिशा में काम करने वाला ये हमारा बंगाल था। देश में सबसे पहली एम्बेसडर गाड़ी इसी आपकी धरती पर बनी थी, ये ताकत आपकी है। लेकिन आज ये बर्बादी का मंजर देखना पड़ रहा है कि यहां के नौजवानों को रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहां नदियां हैं, पानी है, वर्षा है, लेकिन कृषि का विकास नहीं हो रहा है। यहां पर नौजवान है, यहां पर भव्य भूतकाल है, उसके बावजूद भी विकास की दौड़ में आज पश्चिम बंगाल पिछड़ता ही जा रहा है, पिछड़ता ही जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, अब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल में बदलाव लाना है और मैं आपके पास बदलाव का इरादा लेकर के आया हूं, यहां का जीवन बदलने का संकल्प लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, आमादेर सोनार बांगला आवार निये आशबो, ये भाइयों बहनों हम लोगों को पूरे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, 1980 का दशक जब ये पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास में 10% हिस्सा लगाता था, आज वो 3-4% पर आकर के खड़ा हो गया है। भाइयों बहनों, आज पश्चिम बंगाल
आर्थिक दृष्टि से पूरी तबाही की ओर गया है, और जिन्होंने मजदूरों के नाम पे काम किया उन्होंने मजदूरों को क्या दिया? कोई मुझे बताए 35 साल तक मजदूरों के गीत गा करके वोट बटोरने वाले लोगों ने उन मजदूर के बेटे की जिंदगी में बदलाव आया है? कोई मजदूर सुखी हुआ है? भाइयों बहनों, देश में मजदूरों की तरफ सोच एक बदलने की आवश्यकता है। आज देश में जो पूंजी निवेश करता है उसकी इज्जत होती है, आज जो मैनेजमेंट के रूप में अपनी बुद्धि और ज्ञान को इन्वेस्ट करता है उसकी इज्जत होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो अपना पसीना लगाता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। भाइयों बहनों, हमारा सपना है, हमारा संकल्प है कि श्रम को भी पूंजी माना जाए, श्रमिक की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और श्रम एव जयते ये नारा बुलंद करके हिंदुस्तान के गरीब मजदूर उनको सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर मिले, ऐसी हमारी आर्थिक विकास की दिशा हो, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भैया आपको बिजली मिलती है क्या? आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? जरा जोर से बोलो ना, आपको बिजली मिलती है? गांव में बिजली आती है, कारखाने में बिजली आती है, क्यों ये हालत ऐसी क्यों? कोयले की खदानें आपसे दूर नहीं है, पानी का धोध यहां से दूर नहीं है। भाइयों बहनों, इसके बावजूद भी आज पश्चिम बंगाल बिजली का संकट क्यों भुगत रहा है? भाइयों बहनों, बंगाल से गुजरात बहुत छोटा है। भैया आपका उत्साह बहुत है, भैया प्लीज, बहुत आपका उत्साह बहुत है, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, गुजरात अगर 24 घंटे बिजली दे सकता है तो पश्चिम बंगाल के नागरिकों को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और उसका कारण है, बिजली के कारखाने लगते नहीं हैं, कारखाने जो लगे हैं बंद पड़े हैं, इसलिए बंद पड़े हैं कि दिल्ली की सरकार की कामकाज की गतिविधि बंद पड़ी है, कोयला नहीं मिल रहा है, 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने आज बंद पड़े हैं, और इसलिए भाइयों बहनों आप अंधेरे में डूबे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज भी कलकत्ते की कई स्कूल ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में उनका नाम है, एक अच्छी स्कूल के रूप में मानी जाती है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल के गांव के अंदर बच्चों की शिक्षा की पाठशालाएं, शिक्षा की सारी व्यवस्था चरमरा गई है? भाइयों बहनों, मैं जब ये देख रहा था यहां आने के पहले, पश्चिम बंगाल जो मां का प्रदेश माना जाता है, बेटी को भी मां कहने की परंपरा है, मां के रूप में सम्मान देना नारी के लिए यहां की परंपरा है, उस पश्चिम बंगाल के अंदर स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए जो टॉयलेट हैं, भाइयों बहनों सिर्फ 60% टॉयलेट है। ये शोभा देता है क्या? क्या परिवर्तन ला रहे हैं आप लोग? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, स्कूल के अंदर आज कंप्यूटर की शिक्षा चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की संभावना है, लेकिन अगर बिजली नहीं है तो यह काम संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ 35% स्कूल ऐसी हैं जहां बिजली का कनेक्शन है, अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो वहां कंप्यूटर कैसे चलेगा, बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा कैसे लेंगे, आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानेंगे, आधुनिक विज्ञान को कैसे जानेंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, हर प्रकार से इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है। कभी कभी भाइयों बहनों, मैं देखता हूं, हम भारत माता की तस्वीर के सामने देखें,
क्या कारण है, क्या कारण है कि हमारी भारत माता का पश्चिमी छोर, वहां तो कुछ विकास नजर आ रहा है लेकिन भारत माता को मध्य से देखें तो उसका सारा पूर्वी इलाका विकास के लिए तड़प रहा है। क्या मेरी भारत मां की दो भुजाएं हो, एक भुजा मजबूत हो दूसरी भुजा दुर्बल हो, तो क्या मेरी भारत माता मजबूत बन सकती है? और इसलिए भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हो, उड़ीसा हो, आंध्र हो, ये सारा हमारा पूर्वी इलाका, उसको विकास की यात्रा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। जो विकास पश्चिम में हुआ है, अरे कम से कम उसकी बराबरी में तो ला करके रखें। भाइयों बहनों, मेरा इरादा है मैं हिंदुस्तान के इस क्षेत्र को अब पिछड़ा हुआ रहना नहीं देखना चाहता, और भारतीय जनता पार्टी इस सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर के चली है। लेकिन मैं एक राजनीतिक टिप्पणी भी करना चाहता हूं। आप जरा बुद्धिमान लोग हैं, देखिए भारत का पश्चिमी इलाका कुछ न कुछ तो प्रगति कर रहा है और पूर्वी इलाका प्रगति नहीं कर रहा है। कारण और तो कई कारण होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है कि पश्चिम के ऊपर ये थर्ड फ्रंट का कोई बच्चा ने कभी भी राजनीतिक राज नहीं किया है। थर्ड फ्रंट वालों का कोई साथी कभी भी उस इलाके में पैर नहीं रख पाया है और इसके कारण वहां विकास हुआ है। ये थर्ड फ्रंट के नाम पर देश को तीसरे दर्जे पर धकेलने में लगे हुए लोग, इन्हीं लोगों ने ये हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में राज किया है। सभी राज्यों में कभी न कभी वही राज करते रहे और उसी का नतीजा है, सिवाय बर्बादी हमने कुछ देखा नहीं है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में राज्य करके हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके को अविकसित रखा है, इन सभी लेफ्ट के लोग हो, उनके चक्के बक्के साथी हो, उन सबको हमेशा हमेशा के लिए अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान की राजनीति से दूर करने की आवश्यकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये थर्ड फ्रंट का इरादा हिंदुस्तान को थर्ड रेट बनाने का है। ये थर्ड रेट बनाने का सपना देखने वाले लोगों को हमेशा 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 के लिए विदाई करने की आवश्यकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आगे बढ़ने के साथ साथ